बेटे आज 8th क्लास आपका हिंदी का लेसन 14वां है, ठीक है। जूटा सागा, ये जूटा सागा जो है वो 14वां लेसन है बेटे। आपको पहले बोला था कि आप लोगों ने जो है इसका सार पढ़ना है। सार मैंने क्लास में भी करवाया था, कहानी वगैरह सुनाई थी बेटे आप लोगों को। लेकिन आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से करवाने लगे हैं बेटे। लेकिन थोड़े से मैंने करवाने हैं, उसके बाद आप लोगों ने पूरे गाइड में से आपको याद भी करवाए हुए हैं, लिखाए भी हुए हैं, आपने देख लेना है। पहला क्वेश्चन है जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जूटा सागा अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता है? इसका आंसर है, जूटा सागा अपने माता पिता के साथ मियादी प्रांत के तटवर्ती क्षेत्र संधेई में रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, जूटा सागा के माता पिता का क्या नाम है तथा वे क्या कार्य करते हैं? इसका सीधा आंसर है, जूटा सागा की माता का नाम अयुमी असुगा और पिता का नाम जो है ओसामू असामू द दझाई था। उसकी माता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और पिता फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते थे। ये दो क्वेश्चन है बेटे, ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने जो है याद करने हैं, लिखने हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, रेडियो पर सुनामी की क्या चेतावनी जारी होती है? ठीक है, इसका जो सीधा आंसर है, रेडियो पर सुनामी की चेतावनी जो है तटीय क्षेत्रीय इलाकों में केवल 12 मिनट में पहुंचने वाली सुनामी के बारे में चेतावनी दी जाती है और तबाही से बच निकलने की भी चेतावनी दी जाती है। ये तीन क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों ने छोटे बड़े सारे क्वेश्चन करने हैं, वाक्य जो है आप लोगों बनाए हैं, ठीक है। एक वचन बहुवचन की तरफ आ जाइए। जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ी, बुजुर्गों बुजुर्ग, बच्चे बच्चा, बीमारियां बीमारी, ऐसे ही जे बटे आपके जो है एक वचन बहुवचन है। भावाचक संज्ञा की तरफ आ जाइए। विनम्र विनम्रता, गहरा गहराई, चढ़ना चढ़ाई, थकना थकावट, कर्मठ कर्मठता। ये बेटे आपके जो है थोड़े थोड़े मैंने करवा रही हूँ, लेकिन जो है बीच में गाइड के बीच में दिए हुए हैं, बाकी वहाँ से कर लेना। पर्यायवाची शब्द आपको दिए हैं, जैसे आंख का नेत्र चक्षु लोचन भी लिख सकते हो, लहर का उर्मी तरंग, ठीक है, दुनिया का संसार विश्व जगत भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पर्यायवाची शब्द भी काफ़ी है आपने याद करने, कापी में लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है लेसन नंबर 14वें क्वेश्चन के जो है वो बता दिए है। वपरीत शब्द है, साथ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जे वाले आप लोगों ने करने हैं बेटे, ठीक है। ओके बेटे।